टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? और ये है 18 जनवरी का शाम का ब्लॉग, मतलब पार्ट टू ब्लॉग। सुबह के टाइम मैंने दिखाया था कि हमारे घर में हलवाई वगैरह लगे हुए हैं, मिठाइयाँ बन रही थी, और जब हलवाई लोग का काम खत्म हुआ तो शाम को फिर शुरू हो गई सुंदरकांड की तैयारी, क्योंकि हमारे घर में सुंदरकांड है। एक्चुअली हमारे घर में नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो जिसकी हमने अभी कोई पूजा वगैरह नहीं करी थी, तो हमने सोचा कि चलो घर पर सुंदरकांड ही रख लेते हैं। तो यहाँ पर सुंदरकांड की तैयारी चल रही है और भगवान की मूर्ति वगैरह सजा दी गई है। और ये भैया है, मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, तो वो पहले से आ गए थे तैयारी करवाने और सुंदरकांड मतलब गाने के लिए। हमने पूरी मंडली बुलाई थी, तो मंडली के 5 लोग थे, उसमें माइक फिट करने वाले भैया, ढोलक वाले, हारमोनियम वाले, छाती भजन गाने वाले, पंडित जी, इस तरफ के, मतलब इनकी एक पूरी टोली थी। तो ये लोग जो है पूजा पाठ वगैरह कराएंगे, और हमारी मतलब इन्होंने बोला था कि आप लोग कोई तैयारी मत करना, सारी तैयारी ये लोग आकर करेंगे। तो हमने बस गद्दे डालकर और उस पर बेडशीट डाल दिए हैं, मतलब बैठने का इंतजाम कर दिया था, बाकी जो भी तैयारी है वो सब ये भजन मंडली वाले लोग कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक हनुमान जी की नई फोटो लाई थी और उसे रख दिया था मंदिर में। तो बस यहाँ पर ये सब लोग तैयारी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं पूरा हाल एकदम बढ़िया से बिछ गया है, गद्दों से साफ़ सफाई चल रही है। और ये बाहर का व्यू है जो अभी आप लोग देख रहे हैं, और अभी इस समय लगभग 5:30 या 6 हो रहे थे, क्योंकि उजाला है। और यहाँ पर ये इस समय आज मेरे घर पे मेरे नाम की ही नेम प्लेट लग रही है, जिस पर लिखा है गरिमा अनुराग सक्सेना। और बस यहाँ पर, और ये मेरे लिए सरप्राइज़ था मेरे हस्बैंड की तरफ से कि आज सुंदरकांड हो रहा है घर में, तो ये मतलब उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था इस बात के लिए। मुझे पता तो था कि नेम प्लेट बनने वाली है, पर ये नहीं पता था कि ये नेम प्लेट आज ही लग जाएगी। तो बस पूजा शुरू होने से पहले ये सरप्राइज़ मुझे मिल गया था, और इसमें मैं तैयार होकर आ गई। और मैंने वही लाल वाली साड़ी पहनी है जो मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग में दिखाया था, और स्वेटर डाल लिया है, साथ ही एक रेड कलर का स्टोल था जो मैंने ले लिया था। मैंने सोचा कि जब सर ढकेंगे तो आंचल फिर स्वेटर के ऊपर से कहाँ से निकल कर आएगा, तो मैंने एक रेडी और येलो कलर का वूलन स्टोल था वो ले लिया है। और ये भी अब रेडी होकर आ गए हैं, और दीदी बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, साथ ही महावीर भैया अभी लगे हुए हैं, और मेरी फ्रेंड शीतल और उनकी फैमिली भी आने वाली थी, तो वो लोग अभी थोड़ा देर बाद आएंगे, उनके घर कोई गेस्ट आ गया था। और यहाँ पर भजन मंडली ने भजन गाना भी शुरू कर दिया था कि जब तक पूजन नहीं हो रहा है तब तक जो है भजन करा लेते हैं। और मैं बस खड़ी होकर यहाँ पर इनका वेट कर रही थी, क्योंकि ये जो बाहर लगे हुए थे बोर्ड लगवाने पर मुझे नहीं पता था कि ये बोर्ड में बिजी हैं। एक्चुअली वो जो बोर्ड का शूट आपने देखा वो इन्होंने ही किया था। तो जब हमने पूजन वगैरह करा लिया उसके बाद से इन्होंने बुलाकर मुझे वो बोर्ड दिखाया, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। क्योंकि कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, पर जब ससुराल में औरत के घर की नेम प्लेट लग जाती है तो आप समझ सकते हैं कि खुशी का क्या आलम होगा। और मतलब कितना अच्छा लगा होगा मुझे उस टाइम पर कि मतलब मेरा भी कोई अस्तित्व है, औरतों का भी कोई अस्तित्व है, जब ससुराल के बाहर आपके नाम की नेम प्लेट हो, आपका एक अस्तित्व हो, आपको लोग पहचाने आपके नाम से, आपके काम से। तो आई होप आप सब समझ सकते हैं मेरी खुशी। तो उस दिन से मैं काफ़ी खुश हूँ, और मतलब मैंने अपने हस्बैंड को थैंक यू भी किया उसके लिए। इन्होंने बोला तो था कि तुम्हारे नाम की नेम प्लेट लगाऊंगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये सरप्राइज़ मुझे आज के दिन ही मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर पंडित जी जो है पूजन की तैयारी कर रहे हैं, दीपक वगैरह चला रहे हैं, और इसके बाद से हम दोनों बैठेंगे पूजन कराने के लिए। तो भजन कीर्तन शुरू हो गया है, आप लोग भी भजन कीर्तन सुनते रहिए। तो अभी यहाँ पर पंडित जी ने हम दोनों को आवाज़ दी है कि आप लोग आके बैठिए, और आप देख रहे हैं हाथ में मेरा पर्स है, क्योंकि मुझे पता है कि इनके पर्स में पैसे नहीं होंगे, ये अपने पर्स में पैसे रखते ही नहीं है, मेरे पतिदेव जो हैं। तो मैंने कहा पर्स लेके बैठते हैं, क्योंकि पंडित जी लोग दक्षिणा रखवाते हैं तो चेंज पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं पर्स लेकर बैठी हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैंने पर्स क्यों लिया हुआ है। तो बस दीदी वीडियोज़ बना रही हैं, और मंडली वाले लोग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। पर दिया इस टाइम पे थोड़ी नाराज़ हो गई थी कि आप लोगों ने पूजन के टाइम मुझे क्यों नहीं बुलाया, और वाकई हमारा ध्यान थोड़ा सा निकल गया था कि दिया को अपने साथ बुलाकर बैठाएं, और ना ही उसने बोला उस टाइम पर कि माँ मुझे भी बैठना है। और बाद में थोड़ा सा नाराज़ हो गई कि आप लोगों ने पूजन कर लिया, अकेले मुझे नहीं बुलाया। तो बच्चों को फील होता ही है, खासकर जब आपका बच्चा अकेला हो, मतलब
आप इकलौते बच्चे के मम्मी पापा हों तो उस बच्चे को बहुत फील होता है। दो तीन बच्चे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बच्चे आपस में खेलते कूदते हैं, पर दिया को फील हुआ था उस टाइम। बाद में हमने उसे मना लिया था प्यार करके। और बस यहाँ पर आप देख रहे हैं पंडित जी पूजन करा रहे हैं, तो सुंदरकांड या रामायण जब भी शुरू होता है तो उसके पहले पूजन होता है। मतलब जो यजमान, जिसको बोलते हैं प्योर संस्कृत में, हिंदी वर्ड में यजमान, हम लोग यजमान थे तो हम लोग करा रहे थे, तो बस यहाँ पर हम लोग पूजन कराएंगे। अब पूजन जैसे ही ये ख़त्म होगा इसके बाद से सुंदरकांड शुरू हो जाएंगे। और फिर अच्छा, मुझे सुंदरकांड होता है तो मैं बता दूं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी शादी के बाद पहली बार इस घर में सुंदरकांड हो रहा है। मेरी सासू माँ जब थी तो उन्होंने सुंदरकांड कराया था, पर उनके जाने के बाद कभी नहीं हो पाया। और मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने मतलब सुंदरकांड, हम लोगों ने प्लान किया कि सुंदरकांड कराएंगे, सवामणी कराएंगे, तो घर में एक पूरा भक्तिपूर्ण माहौल था। दो तीन दिनों से भक्ति वाला माहौल बना हुआ था घर में कि सुंदरकांड होगा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो और कई सारे लोगों को बुलाया है, तो बीच बीच में कई सारे लोग आए हैं, आते हैं लोग, बैठते हैं, आधा घंटा गाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो प्रसाद की जो पैकेट होते हैं वो हम लोगों ने बनाकर पहले ही तैयार कर दिए थे कि जो जो बीच में जाएगा सबको प्रसाद देते रहे हैं, और बूंदी वाला प्रसाद बनाकर तैयार किया हुआ था। और भाई बस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो ये सब लोग हमारे आसपास के ही लोग हैं जिनको हमने इनवाइट किया हुआ था। और अभी पंडित जी ने इनको बोला कि आप जितने लोग बैठे हैं सबको टीका लगा दो, और जो भजन मंडली के लोग हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा दक्षिणा दे दो। तो बस यहाँ पर ये ही कर रहे हैं, सबको टीका लगा रहे हैं और इसके बाद से जो है दक्षिणा देंगे। और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, इनका वेट कर रही हूँ। जैसे ही ये पूजन खत्म होगा बस इसके बाद से जो है सुंदरकांड का पाठ शुरू हो जाएगा, तो हम सब भी बैठकर पाठ करेंगे। और इस बीच में किचन में कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो चाय भी बनेगी वो सुंदरकांड खत्म होने के बाद बनेगी। तो मैं निश्चिंत थी कि चलो कोई बात नहीं, और हलवाई भैया से पूरी सब्जी बनवाकर पहले ही रख लिया था सबको खाने खिलाने के लिए। तो बस अब भजन शुरू होगा, सुंदरकांड शुरू होगा। और यहाँ पर दिया बैठी, आप देख सकते हैं उसके चेहरे को हल्की हल्की सी रूठी हुई लग रही है, तो बस यहाँ पर रूठी हुई है, पर रूठी हुई को भी हमने मना लिया था। बस यहाँ पर भजन शुरू हो चुका है, और पहले पंडित जी लोग भजन करते हैं, दो या पांच भजन करते हैं, और उसके बाद से सुंदरकांड का पाठ शुरू होता है। और इस टाइम पे हम लोग उठ चुके थे पूजन से, और ये मुझे बुलाकर यहाँ पर बाहर लेकर आए थे कि देखो तुम्हारे नाम की बोर्ड लगा दी, तुम्हें कैसा लग रहा है। और ये देखते ही आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हुई होंगी, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने फटाफट से क्लिप बनाया, मैंने कहा कि चलो सबको दिखाते हैं, क्लिप बनाती हूँ मैं, अपने वीडियो में शेयर करूँगी ये चीज़ कि आपने मुझे मेरे नाम की नेम प्लेट लगवाई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ गरिमा अनुराग सक्सेना, यूट्यूबर एंड ब्लॉगर, साथ ही यूट्यूब पर लोगो भी है, तो यही मेरी पहचान है आज की डेट में। तो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज अपना नेम प्लेट देख कर। और बस मैं यहाँ पर आकर बैठी हुई हूँ नेम प्लेट देखकर, तो मैंने सोचा कि चलो पास से भी थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो हाथ में मोबाइल लेकर मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। देखिए भैया बैठे हैं, शीतल भाभी के हस्बैंड, जो मेरी फ्रेंड शीतल है उनके हस्बैंड हैं। और शीतल भाभी अभी नहीं आई थी, वो थोड़ी देर बाद आने वाली थी क्योंकि घर पर कोई गेस्ट आ गया था। Thank you.
यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी फ्रेंड शीतल आ गई हैं, तो उन्होंने भी सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दिया था। हम सबके हाथ में किताब थी, हम सभी पढ़ रहे थे, और जैसे जैसे पंडित जी लोग पढ़ते जाते हैं तो साथ में सब पढ़ते हैं सुंदरकांड, और बहुत अच्छा लगता है। जिन जिनको संस्कृत पढ़ना आता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सुंदरकांड पढ़ना। और पहले भी मैंने काफ़ी टाइम अकेले ही सुंदरकांड किया हुआ है, और ये एक मोहल्ले की एक भाभी आई थी जो मुझसे पूछ रही थी कि कहाँ कब तक पाठ चल रहा है, तो दोहे वगैरह होते हैं, तो वो मैं बता रही थी उनको कि यहाँ पर इस जगह पर इस पेज पर हैं हम लोग, और सब बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे मोहल्ले से और दो तीन लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पर ये लोग ताली बजा बजा कर काफ़ी अच्छा मतलब आनंद ले रहे थे सुंदरकांड के पाठ का, क्योंकि जो हमारी भजन मंडली आई थी उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा पाठ किया था। कभी कभी मंडली वाले जब आते हैं तो एकदम समा बन जाता है, और ये लोग भी काफ़ी अच्छा पाठ कर रहे थे, साथ ही मतलब फिल्मी गानों की तर्ज पर कर रहे थे, बीच बीच में भजन भी गा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा था। और 2.5 से 3 घंटे जो है सुंदरकांड का पाठ चला था। साथ ही जो ढोलक वाले भैया थे जो ढोलक बजा रहे थे उनकी तो तारीफ़ करनी पड़ेगी, बेचारे ने 3-3.5 घंटे लगातार जो है ढोलक बजाई थी बिना हाथ रोके, तो कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ऐसे लोगों को, कलाकार लोगों को जो इतना बढ़िया जो है प्रोग्राम करते हैं कि किसी के भी घर जाकर और एकदम समा बन जाता है। और इसी हॉल में 2 बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए थे, तो कानों के पास ऐसे लग रहा था कि मतलब धम धम काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी। और सुंदरकांड जब खत्म हुआ तो मैं बता दूं काफ़ी देर तक हमारे कान एकदम सुन्न हो गए थे, कुछ हमें कानों से सुनाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं एकदम स्पीकर के पास ही बैठी हुई थी, और यहाँ पर अभी कुछ लोग और आकर बैठे हैं, तो बस पाठ चल रहा है, आप लोग भी मजे ले लीजिए। और अभी इस टाइम पे दी आकर मेरे पास बैठ गई है, और वो धीरे धीरे बोल रही थी हौले हौले से कि माँ भूख लगी है, और इतनी ज़्यादा स्पीकर की आवाज़ थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि दिया क्या बोल रही है। बहुत देर के बाद मैंने उसकी बात समझी कि उसे भूख लगी है, तो मैंने उसे फिर मीठे पाव रखे थे वो निकाल कर दिया। मैंने कहा बच्चों का सब माफ़ होता है, और बड़े लोग इस टाइम पर कुछ नहीं खा सकते, इसलिए मैंने चाय वाय कुछ नहीं बनाई थी। बीच में ये था कि जब सुंदरकांड खत्म हो जाएगा तब जो है चाय बनेगा, और सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा प्रसाद का और चाय का, फिर उसके बाद से सब लोग चाय पियेंगे खाना खाएंगे, तो इसलिए मैं आराम से एकदम बैठी हुई हूँ, मुझे किचन में नहीं जाना है, तो बस आराम से मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ। अभी यहाँ पर पाठ जो है सुंदरकांड का खत्म हो चुका है, लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे थे, और अब हम लोग कर रहे हैं आरती। तो सबसे पहले मैंने और इन्होंने आरती करी थी, उसके बाद से सब बारी बारी आएंगे, सबकी बारी आएगी, सब आरती करेंगे। और सीता माता की आरती हुई थी, रामलला की आरती हुई थी, हनुमान जी की आरती हुई थी, इस तरह से करके जो है सबकी आरती होती है सारे भगवान जी लोगों की, और सब लोग बारी बारी आएंगे, सबकी बारी आएगी। तो यहाँ पर पति पत्नी के जोड़े से हम सब आरती कर रहे हैं। और अब यहाँ पर आरती कंप्लीट होने के बाद पंडित जी ने बोला कि आपके घर का जो मंदिर है वहाँ पर भी आरती दिखा दो, तो मैं यहाँ पर घर के मंदिर में आ गई हूँ, और सारे देवी देवताओं को साथ ही मम्मी की फ़ोटो पर मैं आरती दिखाऊंगी, उसके बाद से बाहर जाऊंगी। तो बस इसके बाद से जो है सब आरती लेंगे, और इसके बाद से हम लोग चाय वाय बनाएंगे। तो यहाँ पर इस रूम से मैं निकल रही हूँ, और पीछे पीछे ये भी कैमरा लेकर चल रहे थे, तो मैं फटाफट से गई और मैंने पैसे निकाले, क्योंकि मैं भूल गई थी कि आरती की थाल में पैसे भी डालने होते हैं, तो मैंने अपना पर्स इस टाइम पर रख दिया था, फिर मैं लेकर आई। और अभी आप देख सकते हैं हम लोग चाय के मजे ले रहे हैं, क्योंकि मैंने और शीतल ने मिलकर चाय बना दी थी और पानी वानी दे दिया था सबको, तो बस यहाँ पर सब खड़े खड़े चाय पी रहे हैं, भजन मंडली से बातें हो रही हैं। इसके बाद से चाय पीने के बाद फिर खाना वाना सर्व करेंगे सबको। और अभी यहाँ पर मंडली वाले लोग खाना खाने बैठ गए हैं, तो इन सबको हम लोग पूरी सब्जी और जो बूंदी का प्रसाद था वो हमने सर्व किया था, फटाफट से सारा खाना गर्म किया और सबको खाना लगाया, तो सब काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। और पूजा पाठ का काम अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से निपट जाए बिना किसी विघ्न के, तो अच्छा भी लगता है। कि यहाँ पर सारे जेंट्स बैठेंगे, ये भी बैठ रहे हैं खाना खाने, महावीर भैया थे, देवकी भैया थे, सब लोग बैठेंगे खाना खाने, और बस इसके बाद से जो है हम लेडीज़ भी खाना खाएंगे। तो लेडीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं, हम मैं मेरी ननद और शीतल भाभी थे, और बच्चे थे, शीतल भाभी की बेटी है वो थी,
तो बस हम सब खाना खाएंगे, बस इतने ही लोग थे खाना खाने वाले लोगों में, बाकी लोग जो आए वो प्रसाद लेकर चले गए थे, उन्होंने खाना नहीं खाया, हमने रोका पर उन लोगों ने बोला कि नहीं खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ प्रसाद लेकर जाएंगे। तो बाकी बहुत सारे लोग आए प्रसाद ले लेकर ही चलते बने। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम तीनों लेडीज बैठकर खाना खा रही हैं और भूख जोरों की लगी थी क्योंकि दोपहर जो है 2-2.5 बजे का खाना खाया हुआ था और मतलब एकदम गला सूख रहा था, तो बस चाय पीने के बाद फटाफट खाना खाने बैठ गए और बहुत मज़ा आ रहा था बातें करते हुए खाना खाते हुए, और रात के लगभग 9:30-10 बज गए थे। तो ये आज का ब्लॉग मैं सोच रही थी कि यहीं ख़त्म कर दूँ, आपसे मिलूंगी अपने सवामणि वाले नए ब्लॉग में जब मैं जाऊँगी सालासर बालाजी के दर्शन करने और सवामणि का प्रसाद चढ़ाने। तो चलिए आपसे मिलती हूँ 19 जनवरी के एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।